अब खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के थाना गजरौला में एसिड अटैक मामले में पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी और एक मौके से फरार हो गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संजय, कितने आरोपियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, कितने लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें अंजलि, पीलीभीत के थाना गजरौला इलाके के रामनगरिया के एलएलबी के छात्र पर एसिड अटैक का मामला देखा गया था। तो एक हिसाब से इस अटैक में दहशत का माहौल छाया हुआ, जहां इस घटना के बाद पुलिस लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने का लगातार प्रयास कर रही थी। वहीं आज एक आरोपी को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसकी हालत गंभीर होने पर बरेली हाई सेंटर रेफर किया गया था। इसी बीच मामले में दो दिन पूर्व में भी लगातार अधिवक्ताओं का भी आक्रोश देखने को मिला था, जहां अधिवक्ताओं ने संगठन कचहरी द्वारा परिसर में घूमकर घोर निंदा और नारेबाजी की गई थी, जहां मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद पुलिस ने मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की आज आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। आपको बता दें एसिड फेंकने वाले आरोपी के एक पैर में गोली लगी है, दूसरा मौके से फरार हो गया है। आरोपी के पास से बाइक तमंचा और बरामद किया गया है। दूसरे आरोपी की लगातार तलाश जारी है। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी घायल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, वहीं दूसरा आरोपी जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया जा रहा था। जी बिल्कुल संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो बता दें कि एसिड अटैक मामले में पुलिस की आरोपियों से मुठभेड़ हो गई। एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, और एक मौके से फरार बताया जा रहा है। ये पूरा मामला पीलीभीत के थाना गजरौला का है।